नमस्ते दोस्तों, ममता यूपी ब्लॉग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं गरई मछली की पकौड़ी, तो चलते हैं मछली के पास। तो दोस्तों मछली के पास हम आ गए हैं। मछली को पहले से धोकर अच्छे से रख लिए हैं और मछली के मूड़ी को हमने निकाल दिए हैं। तो पकौड़ी बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री लिए हैं, ये देखिए। थोड़ा सा गेहूं का आटा और यहाँ पर हल्दी पाउडर, लाल मिर्चा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा जीरा, लहसुन और स्वाद अनुसार नमक। तो सारे सामान को हमने मछली में मिला दिए और ये है हरा धनिया के पत्ते। तो अब हम इसे ऐसे मिला लेते हैं। गैस को जला लिए हैं, कढ़ाई को रखते हैं। कढ़ाई मेरी लाल हो रही है, हम इसमें डालते हैं सरसों का तेल। तेल मेरा लाल हो रहा है, तो तेल लाल हो गया है। अब हम पकौड़ी को ऐसे छान लेते हैं। तो मछली के पकौड़े को हम बना रहे हैं, तो हम इसे ऐसे पलट देते हैं। तो मछली के पकौड़े को हम अच्छे से ऐसे पका लेते हैं। मछली के पकौड़े होने वाले हैं, अब हम इसे ऐसे निकाल लेते हैं। इतने अच्छे से हो गए हैं, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं। पहला राउंड मछली के पकौड़े को हमने बना लिए हैं, दोबारा डाल देते हैं और ऐसे हम पलट देते हैं। कम आँच में जैसे कि पकाते हैं, गैस को हमने थोड़ा कम कर दिए हैं। पकौड़े होने वाले हैं, थोड़ा और हम पका लेते हैं। मछली तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने छोटे छोटे मछली को पकौड़ी बनाए हैं। पकौड़े तैयार हो गए, इसे भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप ये ऐसे एक बार बनाकर खाइए, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों मछली के पकौड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। तो गरई मछली के पकौड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमने तो गेहूं के आटे में पकौड़े बनाए हैं, और आप सब बेसन में बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर मेरा आप सबको पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।